हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टिकल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम बात करेंगे आज यूआरपे में एक नया ऑप्शन जो है मैनेज डिवाइसेज के ऑप्शन में। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इसमें क्या 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 ऑप्शन है, क्या चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे मोबाइल नंबर पे यूआरपे में। तो उसके बाद मैं यूआरपे अपना लॉगिन करता हूँ तो वो लॉग आउट, मैंने देखा कि वो लॉग आउट हुआ हुआ है। तो वो मैसेज क्यों आता है, कैसे आता है, फिर उसको हम लॉगिन करके देखेंगे कि वो मैसेज की वजह क्या थी और ये मैनेज डिवाइसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप मैसेज देख लें। जैसे ही हमारे पास ये मैसेज किस तरह का आता है, देखें, मरहबा, आगे सब्जेक्ट नेम है, तो हम मरहबा जाज एंड्रॉयड भी, मतलब इस तरह के लिखा हुआ है एंड्रॉयड पे, ये आपकी डिवाइस या आपका जो है ये नंबर जो है ये यूआरपे आपका लॉगिन हुआ है। तो वो कह रहे हैं इसको चेक करने के लिए ये नंबर है, इस पर आप डायल करके देख लें सेफ है आपकी डिवाइस या नहीं सेफ है, किसी और अकाउंट पे, किसी और मोबाइल पे जो है आपका यूआरपे लॉग इन हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे या यहाँ से हम कैसे जाके चेक कर सकते हैं कैसी डिवाइस, हमारी डिवाइस कहाँ पे, किस नंबर पे, कब लॉग इन हुई है। तो इसके लिए मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ। लॉग इन जैसे ही करते हैं तो मेन हम इंटरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप मेन इंटरफेस पे आते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पे जो है जो ये जो गुड इवनिंग और आगे वो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे जो वो बना हुआ है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कार्ड डिटेल, नेशनल एड्रेस, चेंज मोबाइल नंबर, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें है मैनेज डिवाइसेज, ये मैनेज डिवाइसेज कार्ड के नीचे, मैनेज कार्ड के नीचे, मैनेज डिवाइसेज में आप आ जाएंगे तो ये देखेंगे आप एंड्रॉयड V31 Gen 2029 5, मतलब लॉगिन डिवाइस, आप इस डिवाइस से आपका यूआरपे लॉगिन हुआ है। अगर आप यहाँ पर दूसरी कोई डिवाइस से लॉगिन हुए होंगे, कोई लॉगिन हुआ है तो नीचे वो डिवाइस का नाम आ जाएगा, आगे आपका रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उससे रिमूव कर सकते हैं अगर वो आपकी मर्जी के बगैर वो लॉगिन हुआ है किसी दूसरी डिवाइस पे। तो इस तरह से आप अपना जो है अकाउंट उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी के बगैर कोई भी लॉगिन नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से आपकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, कब कहाँ पे कौन किस टाइम आपकी यूआरपे लॉगिन हुआ है किस डिवाइस पे। तो ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।